आप बताओ कहने की मतलब विनय कि आए थे तो क्या प्रोसेस था वहाँ पर काउंसलिंग का? आए थे हम लोग तो काउंसलिंग में गए, तो वहाँ पे पहले तो बायोमेट्रिक हुआ वेरिफिकेशन उस दिन जो किए थे एग्ज़ाम वाले दिन, और फिर बायोमेट्रिक के बाद वो हमें लगे मतलब मॉपअप के लिए, जिसमें कि वो प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे सारा कुछ डिटेल कि किसको कितना मिल रहा सीट वगैरह, किसमें खाली है और किसमें फिलअप हो रहा सीट दिखाया जा रहा था उसमें, और फिर माइक लेके सबको वर्बली बोला भी जा रहा था, मतलब जो जिनको मिल रहा था वो बोल रहे थे कि हमको ये लेना है ये लेना है, फिर कंफर्म करके और फिर अलॉट किया जा रहा था वहाँ पे। इसका मतलब कि जो पहले वहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ आपका डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था प्रोजेक्टर द्वारा कि ये कॉलेज में इतना सीट वैकेंट है और ये कॉलेज को ये स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ है। हाँ, इसी टाइप से हो रहा था कि मतलब जो वैकेंट था उसका शो हो रहा था, जो अलॉट हो रहा था उसका भी शो हो रहा था। इसका मतलब कि जो कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसको वहाँ पर पूरे ऑथेंटिक दिया जाएगा, फ्रीडम ऑथेंटिक हुआ, अभी तो सामने में पूरा ऑथेंटिक ही हुआ है सारा कुछ, और सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा था ट्राइपॉड पे, तो सारा कुछ तो अभी ऑथेंटिक ही हुआ। तो उसके मतलब कि जो अगर आप एडमिशन हो गया, मानो बीपी में आपको मिला है बीपी, उसके लिए सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन, और बीपी मिला है तो उन्होंने कुछ दिया आपको जैसे कि प्रूफ के तौर पर? नहीं, अभी तो प्रूफ के तौर पर नहीं दिया, उन्होंने एक फॉर्म फिलअप करवाया जिसमें कि मतलब हमारा आधार कार्ड नंबर और किस कॉलेज में लिया है अलॉट हुआ वो, और फिंगरप्रिंट राइट हैंड और लेफ्ट थंब का देके उन्होंने जमा कर लिया उनको, बस अभी तो और कुछ आगे नहीं। ईमेल आएगा आपको? हाँ, अभी वो उसने बताया कि मेल आएगा और मेल से ही फिर कॉलेज में जाके मतलब उसके प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाके फी वगैरह का सारा कुछ। अच्छा, बिना अब जैसे कि कोई नीट के बेसिस पर आने वाला है तो जैसे कि उन लोग को कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि पहले आना पड़ेगा कि किस तरह से, लेकिन वो लोग अपना नहीं होता है प्रिपरेशन सब सावधानियाँ क्या क्या? अच्छा, हाँ, नीट के तो आप नीट के स्कोर पे भी ले सकते हैं फॉर्म, लेकिन फॉर्म तो भरना ही पड़ता है ये तो सबको पता ही होगा, और फिर ऐसे भी ले सकते हैं एग्ज़ाम दे के, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और फिर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप एग्ज़ाम प्रीफर कर सकते हैं। और फिर यही हमारा कहने का मतलब ये था, जो बच्चा नीट के लिए अप्लाई कर दिया है आज इसका मैचिंग है ना 23 को, तो वो लोग आएगा तो उन लोग को क्या बताना चाहोगे जैसे कि तुमसे ये करते तो और अच्छा होता है, या पहले आ जाते तो थोड़ा ठीक होता, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ? हाँ, डॉक्यूमेंट तो मतलब जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट किए थे फॉर्म फिलिंग के टाइम वो लेके आना है, अगर आपको करवाना ही है तो फिर वो फॉर्म सारा डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा। अच्छा, चलो ठीक है, तो फाइनली विनय ने बता दिया है अगर आप सबको वो एडमिशन लेना है नीट के बेसिस पर भी तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आप अपलोड किए थे वो सारे का ओरिजिनल कॉपी प्लस आप अपना आधार कार्ड तो आ ही जाएगा उसमें, और लेकर आइएगा अपना जो पीटी एक्सपेंसेस सब होता है वो सारा लेकर आइएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।